अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अबूजर खान बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीम इलाज खान। आज की वीडियो के अंदर आपको नाफ़ के अंदर तेल लगाने का फ़ायदा बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों की पुरजोर फरमाइश थी कि नाफ़ पर तेल लगाने के फ़ायदे बताएं हमें, तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर फॉलो करें, और जितने दोस्त फेसबुक पे देखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो यूट्यूब चैनल पे लाजमी है और उसको सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाफ़ पर तेल लगाने के जो सबसे अहम जुज़ है, जो अहम फ़ायदा है उसका यह है कि दिमाग तेज़ होता है, उसके अलावा बदन की कमज़ोरी से महफूज रहता है बंदा। जिसको इंसान को हर वक्त जिस्मानी कमज़ोरी रहती है कि मुझे वीकनेस हो रही है, किसी काम करने को दिल नहीं करता, नंबर दो उसके लिए बदन की कमज़ोरी से महफूज रखता है। उसके अलावा नाफ़ के अंदर तेल लगाने से आँखों की बिनाई बढ़ती है। अक्सर आजकल के दौर में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, जिन लोगों का अक्सर कंप्यूटर के ऊपर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर का जिनका ये काम है एज ए बिजनेस, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो नाफ़ के अंदर तेल का इस्तेमाल करें, खुसूसन मेरे यूट्यूबर भाई। उसके अलावा याददाश्त तेज़ होती है नाफ़ के अंदर तेल लगाने से। याददाश्त के साथ साथ सारा बदन जो है वो चुस्त रहता है, उस इंसान को जो सुस्ती है और कैली है वो महसूस नहीं होती, कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती। आखिर इंसान है, उसको कोई ना कोई मसला तो बना रहता है, लेकिन बात यह है कि नाफ़ के अंदर तेल लगाने से इंसान का जो जिस्म उसके अंदर बीमारियों से काफ़ी कंट्रोल रहता है। उसके अलावा ये हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है, हड्डियों को ये ताकत देती है, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्मानी दर्द, तमाम जो अज़लाती दर्द हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नाफ़ के अंदर तेल लगाना। और ये बेचैनी से महफूज रखता है इंसान को, अक्सर बेचैनी रहती है कि जी कोई चीज़ खा ली, कोई चीज़ देख ली, किसी अपना मुख्तलिफ़ किस्म की कोई जो भी जहन के अंदर चीज़ आई, बेचैनी महसूस होना, तो ज़हनी तौर पर इंसान को फ्रेश रखती है और बेचैनी को ख़त्म करती है। और ये कैंसर से महफूज रखती है इंसान को, जो ब्लड कैंसर हो गया अल्लाह माफ़ करे, तो ये उससे महफूज रखती है जो परमानेंटली इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। रोज़ाना आप रात को सोते वक्त नाफ़ के अंदर तेल लगा कर सो जाएं, कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं। उसके साथ साथ ये बदन के दर्द को दूर भगाती है, जो इंसान हर वक्त इसी गीला शिकवे रहता है कि मुझे जिस्मानी दर्द है, कोई चीज़ नुस्खा बताएं, ये बताएं, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, तेल नाफ़ के अंदर लगाया करें डेली, इंशाल्लाह आपका ये जिस्मानी दर्दें ख़त्म हो जाएगी। और सबसे जो मेन और अहम बात है लास्ट में, ये मोटापे को कम करता है, और जो जिसमें हम कहीं से बड़े हुए हैं मसलन पेट बढ़ जाना मोटापे की वजह से, चर्बी ज़्यादा आ जाना, तो ये उसको ख़त्म करता है। नाफ़ के अंदर तेल लगाना बहुत ही फ़ायदे हैं नाफ़ के अंदर तेल लगाने के। आप नाफ़ के अंदर तेल लगाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। उम्मीद करता है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।